नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HSTDIS परिवार में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश के कौशल विकास घोटाले के बारे में, जिसके चलते हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है। आइए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम घोटाले में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। आइए अब जान लेते हैं इस घोटाले के बारे में, जिसमें आंध्र प्रदेश सीआईडी का आरोप है कि चंद्रबाबू नायडू इसमें मुख्य आरोपी है। साल 2014 में सत्ता में आने के कुछ महीने बाद आंध्र प्रदेश के तत्कालिक सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने एक कौशल विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत पूरे राज्य में कौशल विकास क्लस्टर स्थापित किए जाने थे। इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रदान करना था। निगम पूरे देश और विदेश में पेश किए जाने वाले विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों से सामग्री एकत्रित करता है और उन्हें पाठ्यक्रमों में परिवर्तित करता है, जो निगम के साथ पंजीकृत छात्रों को ऑनलाइन पेश किए जाते हैं। इसके बाद नायडू सरकार ने कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए सीमेंस इंडिया के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना को APSSDC द्वारा सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड और डिजाइन टेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के एक संघ के साथ साझेदारी में क्रियान्वित किया जाना था, जिसमें सीमेंस को उत्कृष्टता के 6 केंद्र स्थापित करने का काम सौंपा गया। इस MOU के अनुसार परियोजना की कुल लागत 3,356 करोड़ रुपए थी, जिसमें से राज्य सरकार को केवल 10%, वो भी अनुदान सहायता के रूप में देना था, जबकि बाकी का निवेश सीमेंस द्वारा किया जाना था। इसके बाद 19 जनवरी 2015 को नायडू ने राज्य भर में 17 कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया। मार्च 2021 में मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा में कहा था कि कौशल विकास निगम एक घोटाला था और नायडू इस घोटाले के मुख्य अपराधी और लाभार्थी थे। शुरुआती जांच के बाद आंध्र प्रदेश सीआईडी ने 9 दिसंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू कर दी। अब बात कर लेते हैं कि आंध्र प्रदेश सीआईडी ने चंद्रबाबू नायडू पर क्या क्या आरोप लगाए हैं। आंध्र प्रदेश सीआईडी का मुख्य आरोप यह है कि TDC सरकार ने परियोजना शुरू होने के 3 महीने के भीतर सीमेंस द्वारा 1 भी रुपया निवेश किए बिना जल्दबाजी में 371 करोड़ रुपए जारी कर दिए, जबकि परियोजना पर लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 241 करोड़ रुपए कथित तौर पर कम से कम 5 सेल कंपनियों LED कंप्यूटर्स, स्किल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नॉलेज पोडियम, कैंट्स पार्टनर्स और ETA ग्रीन्स को दिए गए थे। इन कंपनियों को कौशल केंद्रों के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और अन्य चीजें मुहैया करानी थी, लेकिन उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार को कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया और पैसा कथित तौर पर नकली चालान के आधार पर इन कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया। चालान में उल्लेखित वस्तुओं की कोई वास्तविक डिलीवरी या बिक्री नहीं हुई थी। आगे सीआईडी का कहना है कि धन का एक हिस्सा कथित तौर पर कौशल विकास क्लस्टर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो आधिकारिक प्रक्रिया से हटकर था, जबकि बाकी हिस्सा सेल कंपनियों के माध्यम से भेजा गया था। सीआईडी ने पाया कि किसी भी नोट फाइल पर तत्कालिक प्रधान सचिव वित्त और तत्कालिक मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। सीआईडी ने सुझाव दिया कि घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजी सबूतों को भी नष्ट करने का प्रयास किया गया था। सीआईडी के अनुसार नायडू और TDP इस घोटाले के अंतिम लाभार्थी थे। सीआईडी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कथित घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता और प्रमुख प्रस्तावक थे, जिन्होंने सार्वजनिक धन को निजी संस्थाओं को हस्तांतरित करने में मदद की। आंध्र प्रदेश सीआईडी की FIR के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने भी एक अलग जांच की। अब जान लेते हैं कि मामला कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, अब तक क्या हुआ है, कौन कौन सी जांच हुई है। बात 10 मार्च 2023 की है, जब ईडी ने सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व MD सोम्याद्री शेखर बोस को गिरफ्तार किया। इसके बाद डिजाइन टेक सिस्टम लिमिटेड पुणे के MD विकास विनायक खानवालकर, PVSP IT स्किल्स प्रोजेक्ट लिमिटेड के MD मुकुल चंद्र अग्रवाल और SSRA एंड एसोसिएट्स के चार्टर्ड अकाउंट सुरेश गोयल को विभिन्न फर्जी कंपनियों के माध्यम से 241 करोड़ रुपए की हेराफेरी में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया। चारों लोगों पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू को 9 सितंबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद सीआईडी के अतिरिक्त DG एन धनंजय ने कहा है कि जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। कथित तौर पर उड़ाया गया पैसा कहां गया, इसका पता लगाने के लिए नायडू से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि पैसा सेल कंपनियों में गया और फिर नायडू और उसके बेटे नारा लोकेश से जुड़े खातों में पैसा भेज दिया गया। ऐसे कई लोग हैं जो नायडू के बेटे नारा लोकेश से जुड़े हुए हैं, जो सरकारी धन को निजी खातों में अवैध हस्तांतरण में शामिल हैं। लोकेश नायडू की भूमिका की भी जांच की जाएगी, कि ऐसा सीआईडी के DG धनंजय ने कहा है। अब जान लेते हैं कि सीआईडी का चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या कहना है।
आंध्र प्रदेश सीआईडी ने आरोप लगाया है कि चंद्रबाबू नायडू इस योजना के पीछे मुख्य साजिशकर्ता है, जो सेल कंपनियों के माध्यम से निजी संस्थाओं को सार्वजनिक धन के स्थानांतरण की योजना बना रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी खजाने को नुकसान और निजी लाभ हुआ है। कथित तौर पर नायडू के पास सरकारी आदेशों और समझौता ज्ञापनों को जारी करने के लिए लेन देन का विशेष ज्ञान है, जिससे वो जांच में एक केंद्रीय व्यक्ति बन जाते हैं और इसलिए उनकी हिरासत में पूछताछ जरूरी है। जांच में टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के साथ मुख्य आरोपी चंद्रबाबू नायडू को कथित तौर पर दुरुपयोग किए गए धन के लाभार्थियों के रूप में शामिल किया गया है। सीआईडी का कहना है कि जांच इन फंडों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसके बारे में केवल नायडू ही जानते हैं। तो ये पूरा मामला था आंध्र प्रदेश कौशल विकास घोटाले के बारे में, जिसमें चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।